हे गाइस, अभी हम जा रहे थे मार्केट। ये 30 तारीख का ब्लॉग है और हम लोग का कुछ भी तैयारी नहीं हुआ था एनिवर्सरी का। 31 को हम लोग का एनिवर्सरी था। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग लौटे ही थे अभी आरा से, जब हम लोग रिंग सेरेमनी में गए हुए थे। उसके बाद हम लोग आए और तैयारी किए, केक का ऑर्डर देने गए थे। हम लोग कुछ समझ में नहीं आया था क्या कैसे होगा, कुछ बुक भी नहीं हुआ था। 30 तारीख आ चुका था और कुछ समझ में नहीं आया था कैसे सेलिब्रेट होगा। हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी था, क्या कैसे हुआ वो आपको आगे पता चलेगा, तो ब्लॉग को एंड तक देखिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग, एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिए थे बट टाइम नहीं मिला था बात करने का, और पूरा थोड़ा बिजी टाइम था। देख सकते हैं पूरा रूम वगैरह साफ़ करना था और सारा घर भी साफ़ करना था बोले थे, क्योंकि आप लोग को पता है कुछ फंक्शन होता है। तो क्या बोले, मेरा मूड भी आज ही ऑफ है, इसलिए मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या बोलें, क्या 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 करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी मेहंदी वगैरह भी पूरा चढ़वाना है, और अभी मतलब सोचिए तो कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए क्या कैसे होता है, वो ब्लॉग देखते रहिए, आपको पता चलेगा। और कौन कौन आ रहा है वो भी आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा, तो देखते रहिए। और क्या कैसे मतलब कैसे हम लोग पार्टी कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू रही है ब्लॉग में, तो वो पता चलेगा। बहुत थक भी गए हैं, कल से लगे हुए हैं, कल कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किए हैं, क्योंकि सोच रहे थे फटाफट से जो काम है वो करें। और आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा अचानक से वर्क हो गया, अकेले करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किचन का सारा काम किए, फिर घर का मीन साफ़ सफाई, रूम में एक फ्लैट उधर है वो वाला और ये रूम, फिर वीडियो का काम, मतलब इतना ज़्यादा। फिर बाहर गए मार्केट का काम, मार्केट से मेरे को ख़रीदना था, अपने लिए तो नहीं लेना था, हम ख़रीदें मम्मी के लिए, दादी के लिए और बुआ के लिए। वो क्यों ख़रीदे हैं वो आने वाले ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो वो लेने गए हम, इसका कोई प्लान नहीं था, हम सोचे नहीं थे, बट फिर लास्ट मोमेंट पर सोचे कि नहीं हम ख़रीद लेते हैं एक बार, क्योंकि ख़रीद लेते हैं। वो आपको बताएंगे आगे ब्लॉग में क्यों ख़रीदे हैं हम। तो एक तो आरा से आए और थकान ही थकान हो रहा है, नींद पूरा हुआ ही नहीं है, लग रहा है कि एक वीक से पूरा नहीं हुआ है। आप लोग ब्लॉग देखे होंगे कि हम गए इंगेजमेंट में आरा, फिर आरा से आरा पहुँचे, वहाँ पे इंगेजमेंट हुआ, फिर सेम डे हम लोग निकले, फिर रात भर नींद, गाड़ी में तो नींद आता नहीं है, फिर यहाँ पे आए, फिर वहीं साफ़ सफाई तैयारी स्टार्ट हुआ ये सब चीज़ का, कि क्या कैसे करना है, डिस्कशन स्टार्ट हुआ, फिर मार्केटिंग वगैरह, मतलब इतना ज़्यादा लोड एक ही पर एक हुआ ना कि क्या बताएं, हालत ख़राब हो गया है। और मेरा मन आज क्यों उदास है हम बताएंगे आपको, आगे बताएंगे क्यों उदास है, फिर से भी पता चल रहा होगा। और चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, कंटिन्यू रहिए। फिर आ चुका था मेरा मेहंदी, देख सकते हैं, और अब हम लगवाने वाले थे मेहंदी पैर और हाथ दोनों में। तो स्टार्ट हो चुका था मेरा मेहंदी लगना, और ये बहुत प्यारा सा मेहंदी लगाती हैं, एकदम फेवरेट हो गया मेरा। अब हमको किसी और का मेहंदी पसंद ही नहीं आता है, लगता है इन्हीं से लगवाएं हम। तो ये मेहंदी लगा रही थी, बहुत खूबसूरत सा मेहंदी, देखिएगा हम लगने के बाद आपको दिखाएँगे। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि बहुत ही खूबसूरत इनका जो आर्ट है, लगाने का तरीका है, बहुत ही सुंदर है। तो इन्हीं से लगवा रहे थे और देखिएगा एंड में बहुत अच्छा लगाई थी मेहंदी। सो गाइस, साउंड कम आ सकता है क्योंकि पंखा चल रहा है और मेहंदी लगा हुई है, दोनों हाथ में लग चुका है, पैर में भी लग चुका है, आप लोगों को दिखाएं। थोड़ा देर पहले आप लोग से बोले थे कि मेरा मूड ऑफ है, सैड है, वजह बहुत सारा है, बट कुछ वजह है, जैसे कल मेरा एनिवर्सरी है और हम सैंडल खरीदना भूल गए, पता नहीं कैसे भूल गए, 50 चीज़ था दिमाग में,
मतलब ये सब अपना क्या लेना है वो मेरे को याद ही नहीं रहा। कपड़ा नहीं लिए सोचे तो और कुछ भी लेने का याद नहीं आया मेरे को। एक रहता है हम हमेशा ड्रेस खरीदते हैं तो उस मुताबिक सोच लेते हैं कि ये लेना है। और ड्रेसेस पर हम खरीदे नहीं एनिवर्सरी में, पहले का ही जो कपड़ा वो पहन रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा क्या पहन रहे हैं। तो हमको ये भी याद नहीं आया कि सैंडल लेना है, कैसे भूल गया, सैंडल भी नहीं लिया, चूड़ा भी नहीं खरीदा। मतलब एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और कितना चीज़ें खुद याद रखें। वही बात हो गया कि याद ही नहीं रहा मेरे को, चूड़ा भी लेना चाहिए था मेरे को वो भी नहीं खरीदा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसीलिए सुबह से सिर्फ रुलाई आ रहा है, सिर्फ रुलाई आ रहा है। पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं, आज हम इतना रोए हैं, हद से ज़्यादा जो रोना होता है। पता नहीं आज से आप लोगों को समझ में आ रहा, मतलब क्या बोले हैं मेरे को अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोले। कल मेरा एनिवर्सरी है और पता है कि मेरे मतलब टाटा में हम रहते हैं, मेरा ससुराल टाटा में है और मेरा जो घर है वो आरा में है। सब टिकट वगैरह हो गया था, मेरे बहन मेरे पापा वो लोग आ रहे थे और सब तैयारी हो गया था जाने का। जैसे निकलने वाले थे लोग, वो लोग बस वाले को कॉल किए तो बस वाले बोले कि टिकट कैंसिल, बस कैंसिल हो गया है, नहीं आ रहा है, टिकट कैंसिल हो, पता नहीं क्या बोले। मतलब वो बोले कि नहीं, गाड़ी नहीं जा रहा है। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, मतलब बस मेरे को रोना आ रहा है। अगर वहाँ से कोई नहीं आ पाएगा तो हम क्या करेंगे, मेरे को सच्ची कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ ही नहीं है। मेरा एकदम माइंड काम नहीं कर रहा है, मतलब एक ऐसे ही हम सुबह से परेशान थे, मतलब कुछ मन नहीं लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास चूड़ा नहीं है, सैंडल नहीं है, तो मतलब है बट पुराना है, न्यू नहीं है, तो ऐसे ही हम परेशान थे। और आज हम जा नहीं सकते, मेहंदी चढ़ा लिए हैं तो फिर अभी ये सब, मतलब मेरे को बस लग रहा है बस हम रोएंगे। फिर यहाँ पे रात हो गया था और सुबह में मेरे मम्मी बुआ आने वाले थे नाश्ता देने के लिए, कुछ था नहीं तो हम पतिदेव से मंगाए अर्जेंट में, तो वो लेके आ गए। देख सकते हैं भी आ गया और कुछ ये सब भी लाए हैं मेरे हस्बैंड, पता नहीं क्या है, कुछ होगा खाने वाला, देखते हैं क्या है। इसका भी टेंशन हो रहा था मेरे को, सुबह में बुआ और मम्मी आएंगी तो क्या देंगे नाश्ते में, कब से हम वही सोच रहे थे। तो फाइनली मेरे हस्बैंड लेके आ गए। हम उनको बोले कि नाश्ता में हम लोग क्या देंगे सुबह में, तो मेरे पति बोले कि लेके हम आ जाएंगे। हम बोले हाँ मिठाई वगैरह लेके आइए, तो मेरे हस्बैंड लेके आ गए, तो चलिए सुबह में हम दे देंगे। और हाँ, आप लोग सोच रहे हैं कि अभी आप बोले थे कि मम्मी पापा नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं आ रहे, तो बता दें कि गाड़ी जो बस था वो नहीं मतलब हो पाया, वो लोग टिकट कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्यों अचानक से बस आ रहा था, पता चला बाद में। और तो पापा रिजर्व गाड़ी करके आ रहे हैं यहाँ पे, पैसा ज़्यादा लगा बट हम बोले पापा पैसा नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हम अपने बच्चे लोग को खुश रखें। उनको पता था कि अगर वो नहीं आए तो हम उदास हो जाएंगे, वो इसलिए कैसे भी बोले कि नहीं, मम्मी बोल रही थी कि वो बोले कि जाएंगे तो कैसे भी, तो आ रहे हैं वो लोग, रास्ते में ही निकल चुके हैं। वैसे अभी टाइम 8:30 हो गया है, तो चलिए सुबह का इंतज़ार करते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। मेरी बहन आ गई और हम अभी जस्ट सो के उठे, 4 बज रहा है, तो चलिए आप लोगों को मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया है लोग, मेहंदी देख सकते हो मेरा। तो हम बहुत देर से उठे हुए हैं, नींद खुल गया था, अगर कोई आपका आए तो नींद नहीं लगता है ना, वही हाल हो गया था, नींद लग ही नहीं रहा था। तो फाइनली आ गए हैं पापा, चलिए कौन कौन आ रहा है देखिए, सरप्राइज भी है और कौन आ रहा है। हाँ उनको नहीं पता होगा, आ जा रहे हैं लोग। तो पकड़ ले फुआ के, देखे देखे उठा देखा ली बता जाए। वाह
धर ले ले। हाँ बैठ अप हुआ खाई नहीं समझ हमेशा बना ही रही थी ना मम्मी से बोले पिछलो बार ना खाई ले रहे तनी से खा के आ जले दिक्कत हुआ हाँ ले चल ले ला सीन कथा तो पढ़ना पड़ना अभी सुत जाइए चल रूम में कौन चल मुंह धो के सुत जा पापा ये नहीं डरती है खूब अच्छा से खिलाती थी जब प्रिया का था ना खूब खिलाएगी हम नहीं लेते उसको आदत हो गया था। फिर यहाँ मेरे हाथ में मेहंदी लगा हुआ था देख सकते हैं। फिर भी हम अपने ससुर जी के लिए जल्दी जल्दी से खाना बना रहे थे। आटा वगैरह नहीं सान सकते थे जिसके वजह से हम आटा नहीं सान पाए रोटी नहीं बना पाए जल्दी जल्दी। बेचारे मेरे ससुर जी बिना लंच लिए चले गए कंपनी। मतलब हम क्या बोले मेरे को कितना ख़राब लग रहा था। मेहंदी था हम कर नहीं पाते कुछ। फिर यहाँ चालू हो गया जो तैयारी था हमारे एनिवर्सरी का। तो यहाँ डीजे बॉक्स आ रहा था धीरे धीरे और देख सकते हैं यहाँ हमारा ये जो डॉग है वो भी बैठा हुआ था। तो यहाँ देखिए सब कुछ आ रहा था धीरे धीरे। सब डेकोरेशन वाले भैया भी आने वाले थे सब कुछ तो एक्साइटेड हो रहे थे हम थोड़ा थोड़ा। आज थोड़ा हम खुश थे। तो गाइस देख सकते हैं ब्लॉग में कभी भी मेरा ऐसा फेस नहीं देखे होंगे कितना गंदा लग रहा है ना। मतलब इतना तो हम कभी रोए ही नहीं थे अपने विदाई में भी नहीं रोए थे जितना हम कर रोली। पूरा आइज फूल गया। आप लोगों को गाना सुनाई दे रहा हूँ। डीजे आ गया है मेरा मेहंदी भी रच चुका है। देखिए आप लोग ब्लॉग में डीजे आ चुका है टेंट वाले भी तुरंत आएंगे ही। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए एंजॉय करिए जो जो होगा कैप्चर करेंगे आप लोग के साथ शेयर भी करेंगे। ये देखिए कितना बड़ा ब्लॉग होता है कितना भी होगा शेयर करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जा रहे हैं नहाने तो दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे क्योंकि पूजा वगैरह करने हम लोग जा रहे हैं। तो इसलिए चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। अच्छा लगा लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सके शेयर करिएगा। बाय बाय।